मैं कौन? सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध या तथागत? मन अशांत क्यों है? निरंजना नदी में बार बार ज्वार क्यों उठ रहा है? इच्छापति के प्रश्न मुझे विचलित क्यों कर रहे हैं? और सुजाता? सुजाता? हाँ सुजाता, जीवन का कोई दूसरा मोड़ लेने से पहले वो आई थी मेरा उपवास तोड़ने, किंतु मैंने उसे फिर कभी न मिलने का निर्देश दिया था। क्यों? जो जीवन भर सभी प्रश्नों का उत्तर देते आया उसी दूसरी प्रश्न अवांतर है, विश्वसनीय है, किंतु प्रश्न है ही ऐसे। हाँ प्रश्न, इच्छामती के प्रश्न, सुजाता के प्रश्न। क्यों? दिखने में तो इच्छामती बिल्कुल सुजाता की तरह ही थी, वही रूप, वही स्वर। क्या इच्छामती ही सुजाता के रूप? लेकिन उस दिन सुजाता थी किसी दैवी शक्ति से प्रेरित होकर संतान प्राप्त हेतु खीर पिलाने, आहार, निद्रा, मैथुन मनुष्य के जीवन धारण के उपादान हो सकते हैं किंतु जीवन के मानदंड नहीं। क्या ये उद्देश्य नहीं? अनुभव। सुजाता लौट आई है इच्छामती के रूप में। के बाद निरंजना में कई बार ज्वार उठा, मनोवित सुजाता क्रमशः शीतलता की ओर अग्रसर हुई। और मैं उस दिन का वो कृष्ण बीज शरीर आज एक विशाल वृक्ष में बदल चुका, शाखा प्रशाखा पसारे दूर दूर तक फैल गया है। अब मेरे अनेक नाम हैं, गौतम, तथागत, बुद्ध, प्रातः स्मरण, किंतु स्मृति? स्मृति कभी गौतम के साथ विश्वासघात नहीं करती। किंतु क्यों लौट आए वो दिन? इसे निश्चित समय में सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं, एक समय के सारे प्रश्न तक याद नहीं रहे। और नारी पुरुष संबंधों की व्याख्या के विश्व समूह के आगे उन प्रश्नों का समाधान कर चुका हूं मैं। इस प्रश्न का समाधान करने से पहले क्या मुझे गोपा से मिलना चाहिए था? गोपा? इच्छामती? सुजाता? क्या अंतर पड़ता है? सुजाता का अर्थ यमुना, इच्छामती और वृद्धा गोपा सभी एकाकार क्यों हो? सभी का कहना है कि तथागत सारे प्रश्नों के समाधान और सारी जिज्ञासाओं का, किंतु अब मैं नहीं ढूंढ पा रहा निरंजना की तटरेखा, बोधी ध्रुव की छाया। उत्तर देते देते मैं क्लांत हो चुका हूं, सभी विचारों पर पूर्ण विराम लगाते लगाते मैं थक चुका हूं। किंतु सब कुछ को लिखी बदल फिर नए प्रश्न क्यों? लोगों ने यह प्रचार क्यों किया कि हर पद की प्राप्ति और हर प्राप्ति की पूर्णता? वो लोग तथागत को मूर्ति बना डालना चाहते हैं। क्या इसी भय से आमरण छोड़ा? क्या गौतम का कोई सपना नहीं, कोई अकुलाहट नहीं, ढूंढने की इच्छा नहीं थी? सब कुछ थी तो पूरी तरह ढूंढ पाने से पहले गौतम स्वयं आविष्कृत हो चुका था। और उसके बाद तुम्हें अब और भी नहीं मिलेगा। स्वयं को छुपा नहीं सकता, जानता हूं उसे दूर नहीं आ सकता, लोग कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। यहां टूटा तो कहां फलक टूटेगा, यहां से पलायन करने पर वहां फलक टूटेगा। कुछ नया नहीं कहना, कुछ नहीं सीखना, सब कुछ स्थितिबद्ध है, इससे कुछ नया पनप नहीं। हाँ, मैं ही कर सकता हूं, इसलिए आज से ही कोई स्वप्न देखना होगा। लेकिन कुछ कहने से पहले कम से कम एक बार गोपा से अवश्य मिलना होगा। कौन कह सकता है कि मेरे सारे अनुभव उसकी इच्छाओं की प्राचीर से टकरा कर खंड खंड हो बिखर नहीं जाएंगे? मेरे भीतर की अस्थिरता चलने लगी है, अब मैं पुनर्मूर्ति का विलासन ये प्रकाश तो कभी बुझा ही नहीं था, मेरा अंतस चिरशांत चिरस्थिर, इसी अस्थिरता के सहारे कुछ नया आविष्कार करना है, या फिर कहना कि मेरे बाद एक और गौतम आएगा। मैं अंतिम बुद्ध नहीं हूं, जातक की अंतिम कथा नहीं हूं, सत्य का शेष आविष्कारक नहीं हूं मैं। यहां करना समाप्त नहीं होता, कहना समाप्त होता है, स्वप्न देखना प्रारंभ हो जाता है। उड़ते पत्थर पर यहां काई नहीं जमती, पुनः भविष्य से वर्तमान को छूते हुए अतीत में लौटना होगा, कुछ और सोचना होगा, कुछ नया। स्वप्न कम से कम उनके लिए जो लोग प्रचलित नियमों के विद्रोही अथवा नास्तिक, पुनः आविष्कार करना होगा। इच्छामती के प्रश्नों के उत्तर मुझे देने ही होंगे, मुझे उत्तर खोजने ही होंगे। आगे। आगे।
तब वो आप अस्वस्थ हैं? नहीं, पुनः जाना पड़ेगा। पुनः? हाँ। कहाँ जाना होगा प्रभु? कपिलवस्तु। उद्यान नर्तकी और मैं, लेकिन उस दिन उन्हें कोई रोक नहीं सका। मैं भी